हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे किसी भी स्टेयर में, जिसे सीढ़ी और जीना भी कहा जाता है, उसके अंदर कनेक्शन वायरिंग कैसे करते हैं। इसके अंदर टू वे कनेक्शन भी किया गया है और एक गेट है जिसका पाइलिंग हुआ है, कारपेंटर का काम हुआ है, तो इसके अंदर भी स्पॉट लाइट स्ट्रिप लाइट लगाया गया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं इसके अंदर कनेक्शन वायरिंग कैसे करते हैं ए टू जेड कम्प्लीट, तो आप इस वीडियो को ए टू जेड कम्प्लीट गौर से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो जैसे कि ये हमारा स्टेयर है, जिसे सीढ़ी भी कहा जाता है, जीना भी कहा जाता है, और ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर में हमें यहाँ पे काम करना है, लेकिन नीचे एक स्विच हमें देना है टू वे, एक बल्ब को दो जगह से ऑन ऑफ करने के लिए कनेक्शन करना है। जैसे नीचे एक ग्राउंड फ्लोर में हो जाएगा और एक यहाँ ऊपर हो जाएगा, जिसे टू वे कनेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ये सेलिंग में कॉन्सील्ड बॉक्स से ये जो वायर निकल रहा है, ये हमारा मेन लाइन का वायर है, इसमें और किसी भी तरह का कोई वायर नहीं है। जैसे न्यूट्रल है, फेस है, इन्वर्टर है, बड़ी अर्थ है, और दो वायर है जो नीचे ग्राउंड फ्लोर के स्विच बोर्ड से आ रहा है टू वे कनेक्शन के लिए, जो MCB बॉक्स के थ्रू आ रहा है। और ये जो वायर है बाथरूम से होते हुए आया है MCB बॉक्स से। पिछली वाली वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, बाथरूम वायरिंग वाली, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा ये मेन लाइन वायर किस तरह से आ रहा है, या इस फ्लोर पे जो भी हम वायरिंग किए हैं वो कैसे हुआ है। अब जैसे यहाँ पे एक वायर हम ब्लू कलर का लिए हैं, उसे लेंगे और साथ में यहाँ पे टेप लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हम जंक्शन बॉक्स से स्प्रिंग वायर डालेंगे, इधर निकल जाएगा सेलिंग में, और यहाँ पे इस सभी वायर को टेप लगाएंगे अच्छी तरह से, उसके बाद खींच लेंगे। अभी जो वायर हम लिए हैं कॉन्सील्ड बॉक्स के पॉइंट के लिए लिए हैं हाफ वायर, यहाँ पर हमारा वायर निकल गया जंक्शन बॉक्स के पास। उसके बाद फिर यहाँ पर सभी वायर को खोलेंगे, उसके बाद एक वायर और लेंगे जो जंक्शन के पास हम होल्डर लगाएंगे उसके लिए, या वहाँ पर जो हम लाइट लगाएंगे उसके लिए। यहाँ पे दो हाफ वायर हमारा हो गया, यहाँ पे सभी वायर को एक साथ लेंगे और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट हम डाल देते हैं, क्योंकि सीधा हमारा पाइप है तो स्विच बोर्ड में हमारा सभी वायर इजीली निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा वायर निकल गया, इन सबको खींच लेंगे, इस तरह से खींच लिए। उसके बाद अब ऊपर चलते हैं, यहाँ पे न्यूट्रल वायर जो है उसे थोड़ा सा हम खींचेंगे, उसके बाद हाफ वायर को कटिंग करेंगे लूप के लिए, क्योंकि न्यूट्रल वायर से हमें कनेक्शन करना होगा। उसी तरह से सेलिंग में जो कॉन्सील्ड बॉक्स है वहाँ पर भी हाफ वायर को कटिंग करेंगे और न्यूट्रल वायर से इस तरह से गांठ मारेंगे और सभी वायर को अंदर डाल देंगे, जैसे इस तरह से जंक्शन बॉक्स में और इसी तरह से कॉन्सील्ड बॉक्स में। उसके बाद स्विच बोर्ड के पास आएंगे और यहाँ पे आप देखिए एक पाइप है, ये गया है हमारा यहाँ पर जो दोनों सीढ़ी के बीच में पड़ता है, और यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब यहाँ पे हम स्प्रिंग वायर लेंगे और पाइप के अंदर डालेंगे और ये स्प्रिंग वायर जा करके निकल जाएगा हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे दो वायर लेंगे, जैसे एक हाफ एक फेस न्यूट्रल जिस तरह से लाइट पॉइंट दिया जाता है उसी तरह से 1 mm का, और यहाँ पर टेप लगा देंगे और वायर को खींच लेंगे। अब यहाँ पे जो पाइप वगैरह आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि किस तरह से डाला गया है, तो वॉल कटिंग की वीडियो आप देख लीजिए, अगर आप देखे होंगे तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि कहाँ पे कौन सा पाइप इस फ्लोर में कहाँ पे गया हुआ है। वॉल कटिंग करके बोर्ड और पाइप फिटिंग वाली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे स्विच बोर्ड में सभी वायर हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद यहाँ पे एक गेट पाइलिंग हुआ है, जैसे ये आप देख रहे हैं, एक लाइट इधर लगा है, तीन लाइट इसमें भी अभी लगाना है। इसके अंदर वायर जो है ये कारपेंटर मिस्त्री डाल दिए हुए हैं जहाँ पे हमें लाइट देना है। टोटल 4 वायर है इसमें, एक लाइट के पास इन्होंने सेपरेट 2 वायर खींच दिया है, एक न्यूट्रल एक फेस, उसी तरह से स्ट्रिप लाइट के लिए एक न्यूट्रल एक फेस इन्होंने 4 वायर को डाल दिया हुआ है। इसके अंदर वॉल कटिंग करके पाइप हमने लगाया है, कुछ दिन बाद ये फिनिशिंग हो जाएगा, जैसे कि ये फिनिशिंग हो गया है। अब यहाँ पे स्विच बोर्ड भी हम लगा करके कनेक्शन कर दिए हैं, कैसे कनेक्शन किए हैं इसको हम आपको चलिए ड्राइंग पे दिखलाते हैं। और जो हमें स्ट्रिप लाइट लगाना है और जो स्पॉट लाइट लगाना है, जैसे 3 स्पॉट लाइट है और एक स्ट्रिप लाइट है, उसको लगा करके उसके बाद हम आपको लाइट चालू करके दिखलाते हैं। सबसे पहले ड्राइंग पे आपको कनेक्शन समझा देते हैं। तो जैसे कि ये हमारा वायरिंग डायग्राम है, आपको यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लेना है, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे वायरिंग हुआ है, कनेक्शन हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ये ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं जो वायर हम डाले हुए हैं वो बड़ी अर्थ के लिए है। उसके बाद यहाँ पे ब्लू जो है ये इन्वर्टर का है। देखिए हम मार्किंग जो किए हैं ब्लू कलर से किए हैं, इन्वर्टर का आपका वायर कोई सा भी हो सकता है, जैसे ब्लू हो गया, येल्लो हो गया, वाइट हो गया, रेड हो गया,
यहाँ पे मार्कर हमारे पास ब्लू था तो हमने ब्लू से मार्किंग किया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो रेड कलर का है वो फेस लाइन के लिए है और यहाँ पे ब्लैक न्यूट्रल लाइन के लिए है। उसके बाद यहाँ पे ये जो कलम से हम मार्किंग किए हैं पेन से, ये हाफ वायर है हमारा। उसके बाद यहाँ पे ये जो दो वायर है ये टू वे स्विच के लिए है। तो जो मेन MCB बॉक्स है वहाँ से हमारा ये इन्वर्टर और बॉडी अर्थ और फेस और न्यूट्रल डायरेक्ट वायर आया है यहाँ पे कॉन्सील्ड बॉक्स के पास। कॉन्सील्ड बॉक्स से एक हाफ वायर लिए हैं और स्विच बोर्ड तक डायरेक्ट लेकर के चले आए हैं। न्यूट्रल में से यहाँ से लूप कर दिए हैं जिससे कॉन्सील्ड बॉक्स में जो लाइट रहेगा हमारा वो न्यूट्रल यहीं से मिल जाएगा और हाफ वायर से फेस मिल जाएगा जो स्विच के थ्रू जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जो उसके नीचे हमारा जंक्शन बॉक्स है वहाँ पे भी न्यूट्रल लाइन को लूप कर दिए हैं और एक हाफ वायर स्विच बोर्ड तक लेकर के चले आए हैं। उसके बाद इस साइड हमारा गेट पाइलिंग है। गेट पाइलिंग में क्या है कि दो न्यूट्रल हमारा गया है और दो हाफ वायर गया है, क्योंकि जो सेपरेट वायर डाला गया है वो कारपेंटर मिस्त्री ही डाल दिए हैं अलग अलग ताकि दिक्कत नहीं हो। तो तीन एक चार लाइट है उसमें, तीन फ्रंट में एक साइड में है, चार लाइट है। तो चारों लाइट को लूप कर दिया गया है, यानी न्यूट्रल से चारों लाइट को दे दिया गया है और हाफ वायर एक है उससे भी चारों लाइट को दे दिया गया है। उसके बाद एक स्ट्रिप लाइट है लंबा सा जो लगाया गया है, उसके लिए भी न्यूट्रल लाइन दे दिया गया है और फेस आपको दे दिया गया है हाफ वायर यानी स्विच के थ्रू। ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए जो टू वे स्विच है हमारा, यहाँ पे आप देखिए यहाँ से बस आपको जोड़ देना होता है, जैसे एक लेकर के इसमें भी आ सकते हैं इसमें भी आ सकते हैं, यानी ऊपर नीचे आपको जोड़ देना होता है। बीच में इनपुट होता है, बीच में से आउटपुट होता है। तो इस साइड से हम आउटपुट कर लिए हैं बल्ब में, न्यूट्रल हम इससे दे दिए हैं, फेस यहाँ से हम दिए हैं। तो फेस आप चाहें इन्वर्टर से कनेक्शन करना है तो इन्वर्टर से कर दीजिए, आपको मेन लाइन से करना है तो मेन लाइन से कर दीजिए, यानी यहाँ से फेस इनपुट कीजिए और यहाँ से लोड आउटपुट कर दीजिए और एक स्विच से दूसरे स्विच में ये वाला पॉइंट को जोड़ दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे वायरिंग हुआ है। और नॉर्मली जिस तरह से ये स्विच वगैरह का कनेक्शन होता है, आप बहुत सारी वीडियो आप देखे होंगे मेरे चैनल में जो अवेलेबल है स्विच बोर्ड का कनेक्शन, वहाँ पे हम अच्छी तरह से दिखलाए हुए हैं, आपको मालूम ही होगा रेगुलर वीडियो को देखते हैं तो। अगर आपको नहीं मालूम है स्विच बोर्ड का जनरल कनेक्शन तो आप मेरे चैनल में विजिट करके और भी वीडियो को देख सकते हैं। अब चलिए हम लाइट वगैरह सब लगा दिए हुए हैं, स्ट्रिप लाइट भी हम लगा दिए हैं, स्पॉट लाइट भी लगा दिए हैं, इसका भी वीडियो मेरे चैनल में है कि स्ट्रिप लाइट कैसे लगाते हैं, कैसे काम करता है स्पॉट लाइट का भी, उन सब वीडियो को आप कंटिन्यू हमारे चैनल में पहले से वीडियो आप देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, नहीं तो मेरे चैनल में विजिट करके वीडियो को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे फाइनली हम लाइट वाइट लगा दिए, अब चलिए टेस्ट करके आपको दिखलाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो स्विच बोर्ड को हमने कस लिया हुआ है, एक हमारा टू वे स्विच है, बाकी हमारा तीन स्विच है जो नॉर्मल स्विच होता है। इन सबको चलिए ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये लाइट हमारा जल रहा है, सेलिंग वाला भी लाइट जल रहा है और जो गेट का फाइलिंग हुआ है वो भी लाइट हमारा जल रहा है, जो स्ट्रिप लाइट लगाए हैं वो भी हमारा जल रहा है और ये जो है टू वे कनेक्शन किए हुए हैं ये भी लाइट हमारा जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी स्विच जो है दो जगह पे है, जैसे कि नीचे है हमारा, यहाँ से भी ऑन ऑफ़ करेंगे तो यहाँ से भी ऑन ऑफ होगा, जैसे कि यहाँ से ऑफ़ कर दिए तो ये ऑफ़ हो गया। चलिए एक बार ऑन करते हैं, ऑन हो गया तो दोनों साइड से ऑन ऑफ होगा। इसीलिए सीढ़ी के अंदर टू वे स्विच लगाया जाता है, कनेक्शन किया जाता है कि दोनों साइड से हमारा लाइट पॉइंट ऑन होगा ऑफ होगा। तो इस तरह से सीढ़ी के अंदर कनेक्शन वायरिंग किया जाता है या गेट पाइलिंग जो होता है सीढ़ी में उसके अंदर इस तरह से लाइट लगाया जाता है और कनेक्शन वायरिंग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।